ये देखिए, ये हमें समझ आ गई है। 16 महीने में जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट रही वो कामयाब नहीं हुई। मैं 27 साल में असेंबली में आ रहा हूँ, तो इस किस्म का माहौल तो ये पिछले कुछ अरसे से है। हमारी पार्टी ने भी कहा कि जी हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, आपकी सीटें ज्यादा है। फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उनकी तवज्जो सारी कर्ज लेने और कर्ज को चुकाने के लिए रही है कि कैसे कर्ज लिया जाए और किस तरह कर्ज की वापसी की जाए। कोई चंद 100 फैमिलीज को हमने सारा कर्जा उठा के दे दिया और 10 साल के लिए 0% इंटरेस्ट पे। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, मैं हूं हसन जफर और ये है फेडरल पोस्ट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, जो चेन्योर 2 से NA 94 की सीट पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से MNA मुंतखब हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। मुझे अभी समझ तो ये है कि अभी आप हलफ उठा के तशरीफ लाए हैं कौमी असम्बली के मेंबर का, तो वहां पे क्या माहौल था इस वक्त? नेशनल असम्बली जो आप देख रहे हैं काफी अरसे से, ये है कि एक टसल उस इदारे में बनी हुई है और हम शायद डेमोक्रेटिक जो नाम्स होते हैं कि भाई जो करनी है, अगर अपोजिशन भी करनी है उसका भी एक तरीका कार है। हमने तो असेंबली को ये देख रहे हैं कि वहाँ एक अखाड़ा बन गया है और पिछले 5 साल भी इसी तरह गुजरे कि कोई सीरियस काम नहीं हो सका वहाँ। वहाँ नारेबाजी और जलसा जलसे से अभी हम गुजरे हैं सारे इलेक्शन में जलसों से, तो वही माहौल मैंने देखा है असेंबली में। तो ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, तो इसमें आपको फिर ये असेंबली कितनी मुस्तहकम नजर आती है? देखिए असेंबली तो चलेगी और चलती रहेगी, लेकिन उसमें जब तक कोई सब सारी पार्टियों के लोग संजीदा नहीं होंगे तो कोई कोई कंक्रीट वर्क नहीं। जो जरूरत है ना इस वक्त, हमें मुल्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और हमें काफी मेहनत करना है और सोच समझ के और काफी सीरियस मैटर्स को अटेंड करना है। जो माहौल आज मैंने देखा है ये तो कोई अच्छी बिगनिंग नहीं है, मुझे अफसोस हुआ है ये माहौल देख के वहाँ। और देखिए अभी किस तरह संजीदा बिजनेस शुरू होता है, एक बार हुकूमत को बन लेने दें, कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। ये एक पहले दिन से नहीं है, 2014 से पिछले 10 साल हो गए हम इसी माहौल में। एक सिर्फ इख्तलाफ बरा इख्तलाफ, यानी कोई ये नहीं है कोई कंक्रीट वर्क हो या कोई आर्गुमेंट्स हो या डिबेट्स हो या डिस्कशंस हो या उस पे जो कमेटियों की मीटिंग होती है उसमें कोई सीरियस वर्क का रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ये तो नहीं हो रहा। yes, तो इसमें yes. मुश्किल है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैं 1997 से पिछले 27 साल में असेंबली में आ रहा हूँ, तो इस किस्म का माहौल तो ये पिछले कुछ अरसे से है। राइट तो ये जो आप बता रहे हैं कि 2014 से आप ये माहौल देख रहे हैं और 2014 से ही हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत बिल्कुल नोज डाइव पे जा रही है और डूबते हुए वो अब इस मकाम पे आ पहुंची है कि 24वां IMF प्रोग्राम हमारा इंतजार कर रहा है अगले महीने मार्च में। तो और उसके लिए जैसे आप फरमा रहे हैं सीरियस बिजनेस की जरूरत है, तो ये सीरियस बिजनेस जो है उसको टेकअप कौन करेगा? हमें सुनने में आ रहा है कि इसहाक डार साहब जो है वजीर खजाना बनने जा रहे हैं, इज दैट ट्रू? मैं तो अभी आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारी पार्टी में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा। और अभी तक कोई डिक्लेयर तो नहीं हुआ कि कौन वजीर खजाना है। अब देखते हैं कि एक दो दिन में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है हमारे हुकूमत और पार्टी के पास। तो देखिए ना, संडे को प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह वोट लेंगे, उसके बाद कैबिनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, मंडे 3-4 दिन की बात है जी। तो इसमें पीपल्स पार्टी वाले कैबिनेट में पहले मरहले में शामिल नहीं हो रहे, दूसरे में होंगे, ऐसी कोई बात है? नहीं नहीं दूसरे मरहले की भी नहीं है, वो हमें एक फ्री हैंड देना चाह रहे हैं। वो पीपल पार्टी का प्ली ये है और वो बड़ा जस्टिफाइड है। वो कहते हैं कि अगर इकट्ठी कोलिशन जो हम कैबिनेट में शामिल होंगे तो फिर अपने अपने हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो और एजेंडा है, तो फिर कोई एक पार्टी भी उसे अमल नहीं कर सकेगी। कोई एक पार्टी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाएगी तो दूसरी उसकी मुखालफत कर देगी। कॉमन ग्राउंड नहीं देखी जा सकती थी। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक नया तजर्बा है पाकिस्तान में
क्योंकि आइंदा भी आने वाले इलेक्शनों में भी मैं ये नहीं देख रहा कि कोई एक पार्टी भी अक्सरियत ले सकेगी। आने तो वाले कोलिशन इलेक्शनों से गवर्नमेंट क्या भी मुराद है? बनेगी और कोलिशन गवर्नमेंट में यही होना चाहिए कि किसी एक पार्टी को लीड कोई ले और वह अपना जो उसका एजेंडा और जो मैनिफेस्टो है उस पे इम्प्लीमेंट करे और रिजल्ट देखें। अगर जो भी पार्टी अच्छे रिजल्ट दे सकती है वो आइंदा इलेक्शनों में बेहतर उनका आगे बढ़े चले डेफिनेटली जाएंगे। मेरा डेफिनेटली होना भी जी ऐसे ही चाहिए। परफॉर्मेंस के ऊपर जज करना चाहिए कि कौन सी पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये जो तजर्बा पहले पीडीएम की हुकूमत में रहा है आपका, यही कॉलिशन पार्टनर्स थे, तो उसमें तो इन्होंने सारा फिर जो बोझ आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया, जो भी मईशत के मामलात थे। तो इस दफा भी फिर ये क्या ऐवान सदर और दीगर पोजिशंस जो हैं ये एंजॉय करके साइड पे बैठ के तमाशा देखेंगे और सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा, यही सूरत हाल नजर आ रही है? मैं तो बल्कि पीपल पार्टी को सराहता हूँ कि उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग देखिए चैलेंज के लिए पार्टी ने कबूल करना है। अगर हमारे हमारे एक पार्टी में कॉम्पिटेंस है, प्लानिंग है, हमने होमवर्क किया हुआ है, तो अब हमारे पास भी कोई बहाना नहीं है ना। पहले तो नहीं, ये बहाना कहते थे नहीं नहीं जी है। कोलिशन गवर्नमेंट है। देखिए हमारा मुस्लिम मैनिफेस्टो ये है कि हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करेंगे। अब अगर पीपल पार्टी उनको नहीं प्राइवेटाइज के फेवर में, तो बताइए कि अगर मुश्तरका कैबिनेट होगी तो फैसला तो नहीं हो सकेगा कुछ भी, राइट, किसी पार्टी के एजेंडे पे अमल नहीं हो सकेगा। तो अच्छा, अभी अगर उन्होंने ये हमें फ्री हैंड दिया है तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कहा है कि ठीक है आप अपने आप कोशिश करके देख लें, मुल्क को आगे बढ़ाना है, और अगर आप ना कर सकें तो कल को हम पीपल पार्टी की सपोर्ट कर लेंगे जी, आप अपना करके देख लें। तो इसी तरह यही डेमोक्रेसी है। और लेकिन मैं पीटीआई के लोगों को भी कहूंगा, देखिए मुल्क तो हमारा सबका है ना, अपना है, सारे डेफिनेटली मुल्क वतन है जो इलेक्ट होते हैं, मुल्क के खैर खां हैं, वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। लेकिन ये तरीकाकार जो अडॉप्ट हो रहा है इससे तो मुसलसल हमारा मुल्क डाउन हो रहा है ना, हमारी ग्रोथ रुक रही है, हम लोगों को मेयार जिंदगी हमारा उनका कम हो रहा है। तो इसमें सारी पार्टियों को समझना पड़ेगा। और मेरी तो ख्वाहिश ये भी हो सकती है कि कोई कोई एक कॉमन एजेंडा कोई बनाए, मिनिमम कॉमन एजेंडा हो, या कम से कम मिसा के चार्टर मईशत ऑफ टाइप का इकोनॉमी कोई आइडिया? मुश्तरका तौर पे साइन करें, बैठ के सारे दिमाग जो है इकट्ठे बैठे और ये सोचे कि मुल्क के लिए कम से कम ठीक है मैनिफेस्टो अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसपे इख्तलाफ नहीं किया जाना जिसमें चाहिए। सब तो एग्री कर जाएंगे, तो आप मिसा के मईशत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मिसा के मईशत की तरफ, हमने जब हम अपोजिशन में बैठे थे 2018 के बाद, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बाकायदा ऑफर की कि हम अपोजिशन में आप गवर्नमेंट में हम हाथ बढ़ाते हैं, आप आइए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, मिसा के मईशत करें। लेकिन हुकूमत में पीटीआई वो तो किसी तरफ आती ही नहीं है। लेकिन अभी भी ये ऑफर हुई है, पीपल पार्टी ने उनको कहा कि आपकी सीटें ज्यादा हैं, आप जीते हुए हैं इलेक्शन, ज्यादा आपके काफी कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं, आइए हम आपका साथ देते हैं, आप हुकूमत बनाए। तो वो आपने देखा कि जब उनके 155 मेंबर थे नेशनल असेंबली में, तो वो सबने रिजाइन कर दिया। फिर उनकी अपनी हुकूमत थी पंजाब में, तो उन्होंने अपनी पार्टी असेंबली को तोड़ दिया। फिर केपीके में उनकी मेजोरिटी थी, उसको भी तोड़ दिया। अब जो लोग आए, मुझे नहीं समझता आती कि अब क्या, इलेक्शन भी वो लड़ते हैं, कंटेस्ट भी करते हैं, और जब वो अगर गवर्नमेंट में नहीं आते तो वो कहते नहीं जी तो हम आप कह जमाते रहे के हैं कि नहीं। उनका उनका रवैया ये है कि हम नहीं तो कोई नहीं, इस तरह से? फिलहाल तो यही हम, जब पीपल पार्टी ने एक बहुत अच्छी ऑफर की और हमारी पार्टी भी तैयार थी, हमारी पार्टी ने भी कहा कि जी हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, आपकी सीटें ज्यादा हैं, यू हैव अ फर्स्ट राइट टू गवर्न और टू टेक दिस गवर्नमेंट। तो पीपल पार्टी ने उनका साथ दिया, उनकी गवर्नमेंट बन सकती थी, लेकिन वो कहते हैं ना हम पीपल पार्टी के साथ बैठेंगे ना मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठेंगे। अब तीन पार्टियों को मैंडेट मिला है, स्प्लिट मैंडेट है, कोई एक पार्टी को अक्सरियत मिली नहीं। और मैं समझता तो आइंदा इलेक्शनों में भी, क्योंकि मुख्तलिफ एरिया में ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ पार्टीज मजबूत है, उनका वर्क है ज्यादातर, या तो हमारे यहाँ सारी पार्टियां तमाम सूबों में पॉपुलर होती हैं, हमारी कोई पार्टी किसी सूबे में पॉपुलर है, कोई पार्टी किसी सूबे में पॉपुलर है। और जी इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का पांचवा बड़ा आबादी का मुल्क है, और बहुत बड़ी टेरिटरी है हमारी, और हम घिरे हुए हैं मुश्किल से। तो इन मामला में मैं नहीं देखता कि कोई एक पार्टी कभी भी कोई इलेक्शन हो उसमें कोई एक सिंगल पार्टी
बहुत मेजोरिटी से यहाँ आ जाएगी। तो ये तो एक तजुर्बा करना पड़ेगा कि तो आप डेमोक्रेटिक ये ऐसा सिस्टम होता चला। नहीं देख रहे शेख साहब? आपने बहुत अहम दो तीन बातें की हैं इसमें। एक तो आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन की जाए, और ये IMF का जो प्रोग्राम है उसमें जो उन्होंने शरायत रखी है उसमें भी एक चीज़ ये चीज़ भी है। आप एक बिजनेसमैन भी हैं और वो ये आप जानते हैं कि IMF की शर्त ये भी है कि सब्सिडीज विड्रॉ कर ली जाएं इंडस्ट्रीज की और एग्रीकल्चर की, जो भी उनको पावर में यानी गैस बिजली खाद वगैरह पे जो सब्सिडीज हैं। सो हाउ डू यू सी कि ये कैसे डेवलपमेंट होगी? एक तरफ आप प्राइवेटाइजेशन पे जाएंगे, SOEs जो हैं उनको प्राइवेटाइज करें, और दूसरी तरफ फिर ये मामला है कि सब्सिडीज विड्रॉ करें। हाउ इज दिस कॉम्बिनेशन लुकिंग टू यू? लेकिन ये जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कोज है कंपनीज है, जी अभी लेटेस्ट फिगर है कि 1000 बिलियन रुपीज तो लॉसेज हो रहे हैं उसमें। देखिए एक तरफ तो हमने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज 5000 अरब रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिर अगर लॉसेज हैं इतने ह्यूज लॉसेज हैं तो हमारे बजट पे तो उसका बर्डन है। फिर हमारे यहाँ टैक्स जो है वो 8.5% हमारी GDP का मिलता है टैक्स। लोग टैक्स माइंडेड नहीं है हमारे जी यहाँ। हुकूमतें जो की है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है ना, उनकी तवज्जो सारी कर्ज लेने और कर्ज को चुकाने के लिए रही है कि कैसे कर्ज लिया जाए और किस तरह कर्ज की वापसी की जाए। जी जी हमारी ज्यादा तवज्जो इस वक्त होनी चाहिए। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप भी नोट करें कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया अलग मुल्क बने। जी उसके बाद 43 साल तक अप टू 1990 40 हालांकि जो कल्चर्ड एरिया था मेनली एजुकेशन जहाँ थी या जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई थी वो एरिया इंडिया के हिस्से में आए और पाकिस्तान के हिस्से में वो एरिया आए जिसमें कंपैरेटिवली इंडस्ट्री कम थी और एजुकेशन कम थी ऑलमोस्ट नॉन उनके एग्जिस्टेंट कल्चर। थी। लेकिन हम उसके बावजूद 1990 तक 43 ईयर पाकिस्तान ग्रो कर रहा था फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ, और इंडिया की ग्रोथ को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। तो हम 1990 तक 4 टाइम्स थी इंडिया की इकॉनमी, ऑल्दो उनकी पॉपुलेशन 6 टाइम्स थी। उनका पर कैपिटा हमसे कम था, उनका रुपया हमसे वीक था, उनका उनकी उनकी जो इकॉनमी है वो काफी हमारी तरफ दुनिया पूरी मिसालें दे रही थी। उसके बाद हमने ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज की मुख्तलिफ हमारी और हमारे बॉर्डर्स पे हमले हुए, जंगें हुई अफगानिस्तान बॉर्डर पे, इन पर्टिकुलर अफगानिस्तान में जो जो जंगी मामला रहे तो हमें उनको इन्वॉल्व करना पड़ा, तो हमारी ग्रोथ तो व्हाट डू यू कम हुई। लेकिन थिंक पोटेंशियल शेख बहुत ज्यादा साहब? है, मेरा कहना है पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हम जी इसका जी फायदा नहीं उठा सके। अगर हम अपने डायरेक्शन को ठीक कर लें तो आज भी दुनिया हमारी तरफ देखेगी और हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं सारी चीजें तब हासिल हो सकती हैं अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। आज इंडिया में उनके GDP का 15% रेवेन्यू है, हमारा सिर्फ 8.5% है। तो तो ये अब रेवेन्यू IMF ने डिमांड किया ना कि अगले 3 साल में 15% तक लेके जाए। तो बिल्कुल, लेकिन आप वो दो साल बताइए में है कि इस वो वक्त जो तब हो सकता है। FBR है उसकी उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी विलिंगनेस है कि वो अपना रेवेन्यू इतना बढ़ा लें, टैक्स टू GDP रेशो 15% तक ले जाएं जो IMF डिमांड कर रहा है? मैं समझता हूँ बहुत हमारी कैपेसिटी है, विलिंगनेस है, लेकिन सब्जेक्ट हमें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा अपने प्राइवेट सेक्टर को भी और इवन इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, क्योंकि इस वक्त तो दुनिया में बहुत फंड्स अवेलेबल हैं। हम मांग रहे हैं IMF से या दूसरे कर्जे के ऊपर, तो कर्जे हमारा हम बहुत सूद पे कर रहे हैं उसपे, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है और हम पे कर रहे हैं। तो हम कर्जे ले लेके हमें चाहिए कि यहाँ पे हम माहौल ऐसा क्रिएट करें, हमारी इकॉनमी में इतनी अट्रैक्टिवनेस हो कि लोग आके यहाँ अपना पैसा लगाएं, वो फ्री मिलेगा आपको पैसा। और अगर इंडिया में इस वक्त भी लास्ट ईयर $71 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में 1.5 अरब डॉलर की आई है। IT की देखिए, IT में भी हमारे यहाँ वही दिमाग वही इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, वही हमारे यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड था, तो हम उनके यहाँ बेहतर देखिए था सर, कितनी बड़ी बेहतर था। बेहतर था शेख साहब बिल्कुल। वन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप इजाजत दें। एक परसेप्शन है मुस्लिम लीग नून के बारे में, खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो कि अब वजीर आजम बनने जा रहे हैं, कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके हुकूमत चलाई है, और इतना अगर करीबी वो आपका उनके साथ रिलेशनशिप है
तो उनकी तरफ से ये प्राइवेटाइजेशन पे रेजिस्टेंस नहीं आएगी, और इसकी से ये जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे तो, या गवर्नमेंट का साइज छोटा करने पे जाएंगे तो, डोंट यू थिंक योर पार्टनर्स इन ब्यूरोक्रेसी विल रेजिस्ट? बिल्कुल रेजिस्टेंस आएगी। देखिए उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर एक का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जी प्राइवेट। देखिए लेकिन अब दुनिया में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं रही, दुनिया के जिन मुल्कों ने जिस तरह तरक्की की है वो एक राज सबको पता है, राज तो रिवील हो चुका है कि क्या वजह क्या, हमने कॉन्फिडेंस देना है, हमने प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है और SMEs को आगे बढ़ाना है। देखिए मैं आपको यस एक मिसाल दूं कि हमारे यहाँ टोटल कर्जा जो कर्जा है, जो हमारे हमारी इकॉनमी बहुत छोटी है, इंडिया की इकॉनमी हमसे 14 टाइम्स है, लेकिन उस 14 टाइम्स का भी उनका जो लोन वो जिस तरह के देते हैं उसका 15% वो SMEs को देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। यस बांग्लादेश में 12% देते हैं। मैं ये आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में रहा और स्टेट बैंक ने जो हमें फिगर दी। राइट पाकिस्तान में इस वक्त भी वो कर्जा SMEs को, एक तो इकॉनमी का साइज बहुत छोटा है, कर्जों का साइज बहुत छोटा है, उस कर्जों में सिर्फ 7% SMEs को मिलता है और 93% चंद बड़ों बड़ों को मिलता है। मैं जी बहुत क्रिटिसाइज करता रहा पिछले कई प्रोग्रामों में, क्रिटिसाइज किया जो टर्फ पे हमने 0% पे चंद अमीरों को, तकरीबन कोई चंद 100 फैमिलीज को हमने सारा कर्जा उठा के दे दिया और 10 साल के लिए 0% इंटरेस्ट पे, और जी उन्होंने बेनिफिट भी नहीं लिया, उन्होंने बड़े बड़े अपने घर बंगले बना लिए, बाहर पैसे भेज दिए। ऐसे तो ही हमारी होता आ रहा है। राजनीति और गवर्नमेंट का पेंशन रेगुलेशन जो है, जी गवर्नमेंट का रेगुलेशन, हर चीज के लिए दर्जनों NOCs चाहिए होते हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होगी ऐसे माहौल में? तो मैं समझना ये चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून, आपकी जमात, इस वक्त जो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है वो कितनी प्रिपेयर्ड है ये डिफिकल्ट स्टेप्स लेने के लिए? और जाहिर है कि उसमें उनको अपने जो उनके सिविल सर्विस में पार्टनर्स रहे हैं उनको फिर नाराज भी करना पड़ेगा। हाउ प्रिपेयर्ड इज PMLN टू डू दैट? ये देखिए ये हमें समझ आ गई है, 16 महीने में जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट रही वो कामयाब नहीं हुई। इससे पहले मुस्लिम लीग की जब भी हुकूमत नॉर्थ में बनी पाकिस्तान में खुशहाली आई। अब देखिए यस मेरा अपना तल्लक, मैं एक बिजनेस फैमिली से तल्लक है, चंजोट से हमारे ज्यादातर इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन। अब हम पॉलिटिक्स में नहीं आते, सो मैं ये 7वां कंजेकटिव इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि बिजनेसमैन में भी ये अवेयरनेस है कि जब तक अब हम खुद ज्यादा पार्ट नहीं प्ले प्ले करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ स्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ डिफेंस का बजट बहुत कम हो गया है, हम अब क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू कम है, श्रिंक कर हमारी गया है इकोनॉमी ग्रो कम हो ना, रही। जी डॉलर ऊपर जाने से वो बिल्कुल श्रिंक हो गया, ऑलमोस्ट आधा रह गया जी डिफेंस का बिल्कुल, बजट। ये इस वक्त हमारा आप देखिए ना डिफेंस का बजट 2017 में, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, $10 बिलियन था और इंडिया का $40 बिलियन था। हमारा कम होके $6.5 बिलियन हो गया, इंडिया का बढ़ के $40 से $83 बिलियन हो गया। यस डिफरेंस इमेजिन जैसे दैट, ऑलमोस्ट 2017 में और एट इस वक्त टाइम्स 14 गुना हो गए, 14 गुना। ये हमारी यस इकॉनमी को ग्रो, वो भी हमें इसलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं कि देखिए डिफेंस को भी हमें, हम तब पैसा दे सकते हैं अगर हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। और ये जो अभी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, अभी इस वक्त तो अफवाज पाकिस्तान भी डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रही है बिजनेस में, ये जो नई बनी है जो फैसिलिटेशन की हमारी कमेटियां उसमें, और ये मैं समझता हूँ कि वो बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त काफी उनपे रिजेंटमेंट भी हो रही है डिफेंस फोर्सेस में भी, हमको ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है और उनकी ये महसूस करना है कि बहुत डिफेंस के लिए हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमें जी उनको फैसिलिटेट इट्स अ करना है, वेरी और डायर उन्हें सिचुएशन, उन्हें सिक्योरिटी बिजनेस में इश्यू जो है। रोकना नहीं है, बिजनेस करने बिजनेसमैन को बिजनेस करने देना है। तो मैं ये नए आर्मी चीफ की एफर्ट्स में इसमें सराहता हूँ कि वो खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने खुद बैठे हैं इनके राज को, ऐसा कि जो बॉटलनेक्स जो आपने कहा था कि ब्यूरोक्रेटिक किस तरह इसको कम मैं समझा आपसे रहे, शेख साहब उनका इसलिए लेकिन आप ये जी। मईशत पे ज्यादा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसमें मेरी दिलचस्पी इसलिए है कि मैं जानता हूँ कि आप एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से हैं और फाइनेंस कमेटी में आप रहे हैं, कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में, और आप बहुत वेल अवेयर हैं इस सारी सिचुएशन से। तो लेकिन देखिए, जो मैंने पहले सवाल आपसे पूछे, मैं दिलचस्पी मेरी ये है कि अभी ये जो आप ये 24th रिव्यू में जाएंगे तो उसमें लोग सहमे हुए हैं कि महंगाई का कितना तूफान आने वाला है,
तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी ना, आप बगैर सोचे समझे तो, यू आर स्ट्रेटेजी सो स्ट्रेटेजी एक्सपीरियंस्ड। जी। जी देखिए स्ट्रेटेजी हमारी, देखिए मेरा बैकग्राउंड पहले भी आपने अच्छी जिक्र किया, यानी मैं आज से 37 ईयर्स ईगो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का वहां के प्राइवेट सेक्टर से हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेके प्रेसिडेंट बना। मेरा राइट बेटा जब कराची लाहौर आया कराची से, तो वो मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख, तो वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बना। मेरा फर्स्ट कदम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो हम ये बैकग्राउंड जानते हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंस प्राइवेट सेक्टर को यू नहीं नो द देंगे, ग्राउंड कि रियलिटीज, यू नो मैं हाउ इट पॉलिटिक्स ऑल में खड़ा वर्क्स। जी, जी जी मैं क्यों आया पॉलिटिक्स में, मैं ये चाहता हूं कि हम खुद कंट्रोल करें और देखें, और मतलब मशवरा करें। देखिए मैं नहीं, मुझे तो बहुत थोड़ा पता होगा, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्हें ज्यादा पता है, जी ठीक है जी ना। उनके साथ मिलके मैं ये समझता हूँ कि ये काम प्राइवेट सेक्टर का है, ये काम अगर हमारा ब्यूरोक्रेट करता रहेगा तो ये बॉटलनेक खत्म ही नहीं होगी। एग्जैक्टली उनको वो आइडिया नहीं है, वो डिजाइन ही नहीं है। हमारा जो सिविल सर्वेंट है वो बिजनेस, ये इसमें एप्टीट्यूड होता है। मेरी फैमिली 140 ईयर से बिजनेस में है, जी मेरी मेरे वालिद और ग्रैंड फादर और सब, हम कलकत्ता मद्रास आगे, तो ये एक एप्टीट्यूड है बिजनेस। और जो लोग ये समझते हैं, जी अब ब्यूरोक्रेट को तो हमारी बात को हमें समझाने में टाइम लगता है। जब जी तक ये कॉन्फिडेंस, मैं क्यों यहाँ पॉलिटिक्स में आया, मैं चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस क्रिएट हो मेरे आने से, या मुझे अगर कोई भी किसी किस्म का कोई ऐसा मामला मेरे होते हैं तो हमने मशवरा करके क्रिएट करना है। जो इकोनॉमी मेरी को है, हम दिखा चुके हैं पहले 40 साल हम इंडिया से आगे ज्यादातर रफ्तार से तरक्की कर रहे थे, और इंडिया वी की नो रेट ऑफ दैट। ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहती थी ये IMF। जी तो मकसद ये मेरी था शेख कि ये साहब गुफ्तगू होती रही है, मैंने अभी एक उनका पॉडकास्ट भी सुना, कैसर बंगाली साहब का, अशफाक तोला साहब और डॉक्टर नदीम उलग साहब को मैंने इंटरव्यू किया। अब ये तमाम जितने मईशत दान हैं हमारे, जो नोटेबल नेम्स हैं इस फील्ड में, वो सब ये कह रहे हैं कि उनकी बातों से मुझे ये तासुर ये मिला कि अब इकोनॉमिक्स इस मुल्क में ख़त्म हो गई है। पहले हमें अपनी कुछ सोशल एटीट्यूड्स को एड्रेस करना है, जैसे कि ये यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का, जैसे आप भी तस्करा फरमा रहे थे, और जो एक सोसाइटी का एक जनरल डिसिप्लिन है उसको इम्प्रूव करना है। तो इस सियासी माहौल में हाउ डू यू सी कि ये चीज़ें बढ़ जाएं, वरना तो फिर हम इस विशेष सर्कल के अंदर ही घूमते रहेंगे, कर्जा ले नहीं लिया मियाँ, कर्जा दे मैं दिया। आपको बताऊं, मियाँ शहबाज शरीफ का विजन बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ऑलरेडी पंजाब में करके दिखाया है, रिजल्ट्स दिए हैं, और अगर वो सही मौके देंगे। देखिए सबसे आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज करनी है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना है। हमारे बॉटम लाइन पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी है, किसी मुल्क की इतने अच्छे परसेंटेज नहीं है बॉटम लाइन के। तो इसका कुछ यहाँ टाइम से टेबल है आप आपके पास कि कितनी देर में आप ये प्राइवेटाइज करेंगे? नहीं, अभी अब ये तो ये मैं कोई आपको टेलीफोन पे तो नहीं बता सकता, इसमें तो खासी मीटिंग की और काफी काम करने की जरूरत है। जितना राइट जल्द हो सके करना चाहिए इनको, जो आसानी से हो सके, पहले हो सके, इसमें कोई बाहर का। चलिए, देखिए हमारे पास हम अपने वेट पास इतने करेंगे। जी फंड्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा बाहर की बड़े, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी को या बाहर के मल्टी नेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। आपने उस बात मेरी शेख साहब बात हो रही थी पीटीआई के जो यूके और यूरोप के चैप्टर के लोग हैं उनसे, वो तो वहाँ मुहिम चला रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसे ना भेजे जाएं, रेमिटेंसेस बंद कर दी जाएं। तो इस तरह की अब पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो इट इज़ कंपाउंडेड बाय अदर फैक्टर्स, यानी इकोनॉमी के साथ आपको ये चैलेंज है, इसे एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। मैं अब आपका बहुत वक्त नहीं लेना चाहता, आई नो कि आप अभी असेंबली के इजलास से आए हैं, देर माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अहेड फॉर यू। तो मैं कोशिश करूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि जब आपकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाए, आप सेटल डाउन कर जाएं, और इन विच एवर पोजिशन, आई होप कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड किसी मामले में इन्वॉल्व हो, तो मैं गुजारिश करूंगा कि उस वक्त मैं आपसे दोबारा गुफ्तगू कर सकूं। तो इस वक्त आपसे मैं इजाज़त चाहूंगा, आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह आप ऑल द आप बेस्ट। आपने अच्छी बातचीत की, मुझे अच्छा लगा। ये डिबेट ज्यादा ज्यादा भी होनी चाहिए, हम ताकि मकसद तो ये है ना कि हम अपने मुल्क को कैसे पटरी पे दोबारा। एक वक्त था जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं मुझे याद है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर
मेरे हमारे डॉक्टर महबूब लाख साहब के दोस्त थे, और मैं क्योंकि डॉक्टर महबूब लाख साहब के बहुत करीब था, तो वो हमें टेलीफोन करके, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों के आपस में पर्सनल रिलेशन थे, वो एक ही जगह से पढ़े थे, मनमोहन सिंह और डॉक्टर महबूब लाख, वो अक्सर पूछा करते थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हमें कोई राज तो बताइए अपने। लेकिन आज देखिए हम क्या, वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ, हमारे और भी चाइना देखिए, देखते देखते मैंने बिल्कुल ऐसे ही चाइना हुआ है, ऐसे ही हुआ है शेख साहब। और मुझे बहुत सॉरी, बहुत मुझे, मैं काफी डिप्रेसिंग सूरत हाल है। मैं बच्चों को देखता हूँ आसपास हमारे जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीयों में, दे लुक डिप्रेस्ड, अंडर कॉन्फिडेंट, और ये बहुत अच्छे साइंस नहीं है हमारे फ्यूचर के लिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 2-3 साल हमारी ख्वाहिश होगी कि ये जो सारे ये जो डिप्रेशन वाली बातें हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा इसमें कोई मिटिगेशन हो, कोई रिडक्शन हो, और ये हो जाएगा कोई हमारे मुल्क में, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि बहुत ज्यादा हमारे लोग मेहनती हैं और कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं और पोटेंशियल है, लेकिन ये बात जब तक हम प्रैक्टिकली जाहिर ना करें, हम डिलीवर ना करें रिजल्ट, एग्जैक्टली मुझे बार बार कहते अच्छा नहीं लग रहा, हम बिल्कुल चाहते ठीक हैं कि है। एक्चुअल हम इसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करके कुछ आपको दिखाएं कि क्या हो सकता है। ऑल द बेस्ट सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे दोबारा वक्त लेंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, शुक्रिया, थैंक यू, बाय। बहुत दिनों रात आपके देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।